पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ब्रीदिंग है यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं कि जब हम इंस्पायर करते हैं, ब्रीद इन करते हैं, सो ऑल ऑफ द चेस्ट वॉल क्या करता है, बाहर की तरफ मूव करता है, जो ये ब्लू एरो इंडिकेट कर रहा है। बट पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग में क्या होता है, जो हमारा आइसोलेटेड सेगमेंट फॉर्म हुआ है उस केस में वो पूरा सेगमेंट अंदर जाता है, जैसे कि ये रेड एरो इंडिकेट कर रहा है, एंड रेस्ट ऑफ द चेस्ट वॉल कम्स आउट। एंड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन क्या होगा, एक्सपायरेशन क्या होगा, रेस्ट ऑफ द चेस्ट वॉल मूव इन, और जबकि जो हमारा आइसोलेटेड सेगमेंट है ये क्या करता है, बाहर मूव करता है। सो देर इज अ डिससिंक्रेनी बिटवीन द रिब केज एंड एब्डोमेन ड्यू टू दिस पैराडॉक्सिकल रेस्पायरेशन। जैसे आप हमें पता है कि इंस्पायरेशन के टाइम पे क्या होता है, जो हमारा डायफ्राम है वो क्या करता है, नीचे की तरफ मूव करता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा लंग्स हैं वो क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो जो अंदर का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। एंड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन क्या होता है, वो बाहर जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो डायफ्राम मूव्स अपवर्ड। बट बिकॉज ऑफ दिस पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन ये जो सिंक्रनी है ये डिस्टर्ब हो जाती है, एंड देयर इज अ सी सॉ टाइप मोशन जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। नाउ दिस कंडीशन कैन प्रोड्यूस सिवियर और इवन फेटल कार्डियोवेस्कुलर डिस्टर्बेंसेस, रेस्पिरेटरी इनसफिशियंसी, सो नीड्स टू बी ट्रीटेड एट एन इमरजेंसी बेसिस। अगर इसे क्विकली रिलीव नहीं किया गया तो फिर ये एक फेटल कंडीशन प्रोड्यूस कर देती है। नाउ विद एवरी मूवमेंट ऑफ इंस्पायरेशन क्या होता है, एक नेगेटिव प्रेशर बिल्डअप होता है प्लूरल कैविटी में, जो कि फिर इंक्रीज होता जाता है और लंग्स प्रॉपरली वेंटिलेट नहीं होते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा इंस्पायरेशन में क्या होता है, जो लंग्स हैं वो मूव करते हैं बाहर की तरफ, बट बिकॉज ऑफ द फ्लेल चेस्ट, बिकॉज ऑफ दैट ब्रोकन रिब्स, जो एक आइसोलेटेड सेगमेंट फॉर्म हो गया है, वहाँ पर क्या होता है, एयर इंस्टेड ऑफ कमिंग इनसाइड मूव्स आउटसाइड, और एक्सपायरेशन में उसका ऑपोजिट होता है। सो इसकी वजह से एक नेगेटिव प्रेशर अंदर बिल्डअप होने लगता है, जिसको हमें एड्रेस इमीडिएटली करना इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ब्रीद इन में ये कंप्रेस हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, वाइल रेस्ट ऑफ द लंग्स हम देखेंगे बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रीद आउट में सब अंदर आ रहा है, बट दिस सेक्शन इज मूविंग आउट, सो दिस क्रिएट्स अ नेगेटिव प्रेशर इन द इनसाइड द प्लूरल कैविटी। नाउ ट्रीटमेंट क्या है पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग का, मस्ट बी करेक्टेड विदाउट डिले। इमरजेंसी में इसे करेक्ट करना होता है, बिल्कुल भी डिले नहीं करना होता है। फर्स्ट एड मेजर की अगर बात करें, सो एक फोम पैड उस एरिया में अप्लाई किया जाता है जहाँ पर ये सेगमेंट फॉर्म हो गया है और जहाँ से जो एयर है वो प्लूरल कैविटी में एंटर कर रही है। सो उस एरिया को अच्छे से क्या करना है, हमें प्रेशर अप्लाई करना है, सो दैट जो फ्लेल सेगमेंट है वहाँ से जो एयर का डिस्टर्बेंस हो रहा है वो वहाँ पे ना हो। एट द अर्लीस्ट पॉसिबल पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेशन दिया जाएगा पेशेंट को, सो दैट जो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो रिड्यूस हो। नेक्स्ट स्टेप इज द स्टेबलाइजेशन ऑफ द चेस्ट, अर्लीस्ट पॉसिबल चेस्ट को स्टेबलाइज किया जाएगा, सो दैट जो वेरी कॉज हो उसे हम करेक्ट कर सकें और प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। उसके लिए इफ नीडेड वहाँ पे इंटरनल फिक्सेशन किया जाएगा, जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन।